पटेल ही, यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद सांप्रदायिक विवाद बढ़ने लगे हैं। ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर में एक मस्जिद में भाजपा का झंडा फहराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक 14 मार्च यानी नतीजे आने की अगली रात को करीब 9:30 बजे कुछ लोगों ने इलाके में एक जुलूस निकाला। उस जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ही रास्ते में पड़ी मस्जिद की छत पर चढ़कर भाजपा का झंडा लगा दिया। बुलंदशहर में ही एक और जगह पर झंडा फहराने की बात सामने आई है। अगली घटना मेरठ की बताई जा रही है। वहां पर गुरुवार 16 मार्च को टोपी को लेकर विवाद हो गया। खबरों के मुताबिक वहां एक सब्जी बेचने वाला शख्स टोपी पहनकर आया हुआ था। इस पर बाइक सवार कुछ लोगों ने उसकी टोपी उतरवा दी। जब सब्जी वाले ने टोपी दोबारा पहनी तो उसको पीटा गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर जो कि हिंसा की घटनाओं को लेकर पहले भी चर्चा में रहा है, वहां भी भाजपा सरकार बनने के बाद छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ने लगा है। खबरों के मुताबिक एक विवाद किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर हुआ, वहीं दूसरा विवाद तो सिर्फ खिड़की लगाने की वजह ऐसा ही हो गया।